उनके आशीर्वाद की ऊर्जा इस समय आप सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। वो ऊर्जा, वो आशीर्वाद भी इतने दूर दूर मैं भी महसूस कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, बेलगावी आना मेरे लिए हमेशा से बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर दिखाई देती है। बहुत थोड़ी सी जगह में 5 अलग अलग भाषाओं का प्रभाव देखने को देश के अन्य हिस्सों में शायद ही कहीं मिलता हो। मैं आप सभी के साथ ही बेलगावी की भूमि को भी प्रणाम करता हूं। बेलगावी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की तपोभूमि है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान योद्धा संगोली रायन्ना की वीर भूमि है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बेलगांव में 10 दिनों तक प्रवास किया था। वो मैसूर के मसूर महल में भी रुके थे। मैसूर से ही आगे बढ़ते हुए वो केरल और तमिलनाडु गए थे, जहां पर कन्याकुमारी में उन्हें एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उसी प्रेरणा से वो शिकागो गए और पूरी दुनिया को उन्होंने अचंभित कर दिया, मोह लिया था। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए संबोधन के 125 वर्ष हो रहे हैं। जब उस संबोधन के 100 वर्ष मनाए जा रहे थे, शताब्दी मनाई जा रही थी, तो मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे भी विशेष तौर पर शिकागो में उपस्थित रहने का अवसर मिला था। उस बात को भी 25 साल बीत गए हैं। उनकी बातों के, उनके संबोधन के इतने बरस बीत जाने के बाद भी हमें हर रोज, हर मोड़ पर हर समस्या का निदान खोजते हुए लगता है, अरे स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा ही तो कहा था। कितना ठीक कहा था। हमें विवेकानंद जी को याद करने की जरूरत नहीं होती है। वे सदैव हमारे मन मंदिर में उपस्थित रहते हैं। एक भारतीय को कैसा होना चाहिए, इस बारे में विवेकानंद जी ने बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया था, और ये मंत्र था स्वदेश मंत्र। इसकी हर पंक्ति में शक्ति और प्रेरणा भरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये भारत तुम मत भूलना, तुम्हारा जीवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। ऐ वीर, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। गर्व से पुकार कर कहो कि हर भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत की मिट्टी ये मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी के विचार। भारत से एकाकार थे विवेकानंद। भारत से एक रूप थे विवेकानंद। भारत के सुख दुख में अपना सुख दुख मानने वाले महापुरुष थे विवेकानंद। वो हर बुराई से लड़े। विदेश में भारतों को सपेरों
और नटों का देश बताने वाले कुटिल प्रोपेगंडा को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उनमें ज्ञान, विज्ञान, भाषा, सामाजिक सुधार, आधुनिक जगत के बढ़ते कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने का साहस था। उनमें समाज में व्याप्त विकृतियां, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड को खंड खंड करने का योद्धा भाव भी था। इसी भाव ने विवेकानंद को एक योद्धा सन्यासी भी बनाया था। स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो से लेकर के अल्मोड़ा की यात्रा में जाति के भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने लोगों को दो टूक कहा कि ज्ञान और दर्शन में दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई महान नहीं होगा, पर व्यवहार में ऐसी निकृष्टता भी जगत में कोई नहीं करता होगा। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे व्यवहार पर। 100-125 साल पहले उन्होंने जो कहा था वो शायद इतनी बेबाकी से आज भी कोई कहने का साहस न दिखा पाए। साथियों, हमें ये माहौल बदलना होगा, ये मानसिकता बदलनी होगी। विवेकानंद को मानना है तो भीतर से जाति का द्वेष, जाति भेद का जहर निकाल कर बाहर करना होगा, खत्म करना होगा। श्री सिद्धलिंग महाराज जी की प्रेरणा से आपके मठ ने भी तो बीते दशकों में जाति के हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए काम किया है। बिना किसी की जाति की परवाह किए, किसी की भी जाति पूछे बिना समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों को आपके द्वारा आवश्यक सहायता दी जाती रही है। आपके मठ से जुड़े लोगों द्वारा गांव गांव जाकर बाढ़ में राहत का काम किया जाता है, गरीबों को मुफ्त दवाइयां बांटी जाती है, फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को भोजन दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं। तो क्या उसका आधार जाति होती है? जी नहीं, कतई नहीं होती है। बहुत मुश्किल से दशकों तक किए गए लोगों के प्रयास देश जाति के बंधन से मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की इस मेहनत पर कुछ समाज विरोधी लोगों ने अपनी नजर टिका दी है। ये लोग फिर से देश को जाति के नाम पर बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज की युवा पीढ़ी, मैं मानता हूं कि उनको जवाब दे के रहेगी और जवाब दे रही है। भारत का नौजवान कुछ मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला है। देश में जातिवाद, कुरीतियां, अंधविश्वास खत्म करने का संकल्प लेने वाले ऐसे नौजवान न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लेने वाले ऐसे नौजवान ही सच्चे अर्थ में विवेकानंद के विचार के दूत है। वे भारत के नए विक्रमी, पराक्रमी, विकासमान चेहरे का जीता जागता सबूत है। ऐसा हर नौजवान जो राष्ट्र निर्माण में प्रोएक्टिव होकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने के लिए
काम कर रहा है वो विवेकानंद का सच्चा भक्त नहीं है तो क्या है? किसी खेत में, किसी कारखाने में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, गली मोहल्ले नुक्कड़ में, देश की सेवा में जुटा हुआ हर व्यक्ति आधुनिक विवेकानंद के रूप में एक मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा सा रूप ही तो है जो इस भारत को, इस समय स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहा है। गांव गांव ला जाकर लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रदान कर रहा है और वही तो विवेकानंद जी के सपनों के लिए जी रहा है, जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए काम कर रहा है, वही तो विवेकानंद के आदर्शों को आज के युग में जी रहा है। वो अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को समाज के हित में लगा रहा है, वही तो विवेकानंद के आधुनिक भारत के सपने को पूर्ण करने वाला एक सिपाही है। साथियों, पिछले वर्ष एक कार्यक्रम हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा युवा, देश की लगभग 600 समस्याओं के डिजिटल समाधान के लिए जुटे थे। मैं समझता हूं ये प्रयास भी तो विवेकानंद की प्रेरणा के बिना कहां संभव हो सकता है। लाखों करोड़ों साधारण से लोग भारत की मिट्टी की, इसी मिट्टी की सुगंध लिए न्यू इंडिया के निर्माता और वही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को सिद्ध करने वाले सच्चे सिपाही बन जाते हैं। इन्हें मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में मौजूद विवेकानंद का रूप धारण किए हुए और जिन्होंने विवेकानंद का रूप धारण नहीं किया है लेकिन यहां बैठे हुए हर किसी के मन मंदिर में जहां विवेकानंद जी मौजूद है, ऐसे हर जिन जिन के हृदय में विवेकानंद जी विराजमान है उन सबको भी मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, हजारों साल का इतिहास समेटा हुआ हमारे देश में समय के साथ परिवर्तन आते रहे हैं। व्यक्ति में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, लेकिन समय के साथ ही कुछ बुराइयां भी समाज में उभरती रहती हैं, जुड़ती रहती। यह हमारे समाज की विशेषता है कि जब भी ऐसी बुराइयां आई हैं तो सुधार का काम समाज के बीच में ही किसी ने शुरू किया है। ऐसे महान समाज सुधारकों ने हमेशा जनसेवा को केंद्र में रखा है। अपने मन, वचन, कर्म से उन्होंने समाज को शिक्षा तो दी ही, लोगों की सेवा को प्राथमिकता भी दी, देश के सामान्य मानवी को उसकी आसान भाषा में समझाया भी। ये एक तरह का जन आंदोलन था जिसका विस्तार सैकड़ों वर्षों के कालखंड में हम सब ने देखा है, नजर आया है। यह आंदोलन दक्षिण में माधवाचार्य जी, निंबार्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, पश्चिम में नरसिंह हो, मीराबाई हो, एकनाथ हो, तुकाराम हो, रामदास हो, उत्तर में रामानंद हो, कबीरदास हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, सूरदास जी हो, गुरु नानक देव हो, संत रविदास जी हो, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु हो, आचार्य शंकर देव जैसे संतों के विचारों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सशक्त होता रहा है। ये भी हमारे देश की अद्भुत शक्ति है कि इन्हें कभी धार्मिक आंदोलन से जोड़ करके नहीं देखा गया। हमारे यहां हमेशा
ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन स्वीकार किया गया है। ज्ञान में ये संत इस मूलभूत प्रश्न के उत्तर को खोजते थे कि आखिर मैं कौन हूं। भक्ति समर्पण का दूसरा नाम था और कर्म पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित था, समर्पित था। ऐसे अनेक संतों महापुरुषों का ही प्रभाव था कि देश तमाम विपत्तियों को सहते हुए आगे बढ़ते बढ़ते संकटों को पार करते करते आज यहां पहुंचा है। उस कालखंड में देश के हर क्षेत्र, हर इलाके, हर दिशा में मंदिरों मठों से बाहर निकालकर हमारे संतों ने एक सामाजिक चेतना जगाने का अविरत प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है, ऐसे महान संत मुनि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र का निर्माण करने के लिए किया है। इसी कड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा आमटे, पांडुरंग शास्त्री आठवले, विनोबा भावे, अनगिनत महापुरुषों का नाम हम ले सकते हैं। उन्होंने सेवा को केंद्र में रखकर और सामाजिक सुधार भी करते रहे हैं। इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो संकल्प लिया उसे सिद्ध करके दिखाया। साथियों, आपके मठ ने भी त्याग की परंपरा को अपनाया है, सेवा की परंपरा को अपनाया है। आपके मठ को विरक्त मठ के नाम से जाना जाता है। विरक्त यानी हर तरह के सांसारिक मोह से मुक्त। अलग अलग राज्यों में फैले आपके 360 से ज्यादा मठ जब अन्नदान की प्रथा पर चलते हैं, गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराते हैं, तो निश्चित तौर पर धरती मां की, मानवता की सर्वोत्तम सेवा होती है। शिव भाव से जीव सेवा, मैं समझता हूं इस मंत्र का ये उत्तम उदाहरण है। हमारे तो देश का इतिहास रहा है सेवा का, सेवा भाव का। हर कुछ दूरी पर गरीबों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था हमारी परंपरा रही है। ये व्यवस्था संतों, महंतों, आचार्यों, भगवंतों के आशीर्वाद से सामान्य समाज के लोग करते रहे हैं। आज भी अनेक शहरों में, गांवों में ये व्यवस्थाएं जीवित है, फल फूल रही है। भाइयों और बहनों, भारत ने हमेशा पूरे विश्व की मानवता का, लोकतंत्र, सुशासन, अहिंसा, यही तो संदेश दिया है और उस संदेश को जी करके दिखाया है। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, पश्चिम के बड़े बड़े जानकारों ने लोकतंत्र को एक नए दृष्टिकोण के तौर पर देखना शुरू किया, उससे सदियों पहले भारत ने उन मूल्यों को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि अपनी प्रशासनिक पद्धति में शामिल भी किया था। भगवान बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में दुनिया को लोकतंत्र का, समानता का विचार दिया था। उन्होंने अनुभव मंडप नाम की एक संस्था, ऐसी व्यवस्था विकसित की थी जिसमें हर तरह के लोग, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, वे आकर के अपने विचार रख सकते थे। यहां सब बराबर के हुआ करते थे। 2015 में जब मैं ब्रिटेन गया था तो वहां भगवान बसवेश्वर की मूर्ति का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। मुझे ध्यान है
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैग्ना कार्टा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैग्ना कार्टा से भी पहले बसवेश्वर को हमें एक तरह से पहली संसद से परिचय करा दिया था। भगवान बसवेश्वर का वचन था कि जब विचारों का आदान प्रदान ना हो, जब तर्क के साथ बहस ना हो, तब अनुभव गोष्ठी भी प्रासंगिक नहीं रह जाती, और जहां ऐसा होता है वहां ईश्वर का वास भी नहीं होता। यानी उन्होंने विचारों के इस मंथन को ईश्वर की तरह शक्तिशाली और ईश्वर की तरह ही आवश्यक बताया था। अनुभव मंडप में महिलाओं को भी खुलकर के बोलने की स्वतंत्रता थी। समाज के हर वर्ग से आई हुई महिलाएं अपना विचार बेबाक रूप से व्यक्त करती थी। कई महिलाएं ऐसी भी होती थी जिनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो उस समय के तथाकथित सभ्य समाज के बीच भी आए। वैसी महिलाएं भी आकर के अनुभव मंडप के अंदर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखती थी। महिला सशक्तिकरण को लेकर उस दौर में ये बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। मैंने पिछले वर्ष ही भगवान बसवेश्वर के वचनों के 23 भाषाओं में हुए अनुवाद का लोकार्पण किया था। मुझे आशा है कि भगवान बसवेश्वर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। इस अवसर पर मैं पूर्व उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती को भी नमन करता हूं और बांसवा समिति में उनके योगदान का स्मरण करता हूं। श्री अरविंद जत्ती का भी मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि पूजनीय श्री सिद्ध रमेश्वर महास्वामी जी द्वारा अनुभव मंडप को फिर से प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया था। वो इसे यहां के मठ में स्थापित करना चाहते थे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उनका ये स्वप्न श्री मुरुगा राजेंद्र महास्वामी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। इस अनुभव मंडप से देश में समानता के अधिकार का संदेश प्रसारित होगा। सर्वजन सुखिनो भवन्तु के मंत्र पर चलते हुए सभी के सुख की कामना के साथ हो रहे इस आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का पर्व मनाएगा। ये पर्व क्या हम देश की आंतरिक कमजोरियों के साथ मनाएंगे? नहीं हो सकता ऐसा। हम सभी ने संकल्प लेना है न्यू इंडिया बनाने का। इस संकल्प में आपका योगदान संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा को और सुगम करेगा। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, बेटियों को पढ़ाने के क्षेत्र में, युवाओं में कौशल विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के प्रसार के क्षेत्र में, क्या आपके द्वारा भी कोई संकल्प लिया जा सकता है? मुझे पता है कि आप इस तरह के क्षेत्रों में पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आंकड़ों में लक्ष्य तय करके कोई संकल्प लिया जा सकता है? जैसे क्या यह संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में 2000, 5000, 10000 गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराने में हम पूरी तरह सफल होंगे? क्या यह संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में आपके चुने हुए
5,000 10,000 15,000 गांवों में हर घर में एलईडी बल्ब होगा। साथियों सरकार इन सभी सेक्टरों में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा विश्वास है कि आप जब कदम बढ़ाएंगे तो लाखों विवेकानंद की शक्ति आपके संकल्पों को सिद्ध करेगी। अभी बेलगांव में 10,000 विवेकानंद जुटे हैं, तब लाखों विवेकानंद जी आपके साथ जुड़े होंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये सामर्थ्यवान भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार वहां उपस्थित सभी संतों महंतों आचार्यों भगवंतों को प्रणाम करता हूं। मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस और सर्वधर्म सभा की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, स्वामी विवेकानंद को की प्रेरणा लेते हुए, भगवान बसवेश्वर जी ने जो कहा है उसको आज भी जीते हुए हम नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज हम यहाँ 10,000 लोग स्वामी विवेकानंद जी के